हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भोला प्रसाद और भोला फिटनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हल्के फुल्के डाइट मतलब खाना पीने के बारे में बताऊंगा, जो आप रोज़ के दिनचर्या में कर सकते हैं अपने घर में यूज़। थोड़ा बहुत ही जो आप घर पे आप जो भी बनाते हैं खाते हैं या जो भी आप देखते हैं खाते हैं, उस पर कैसे ध्यान देना है, खाना की क्वांटिटी, खाने का तरीका, पानी, सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। वीडियो में बने रहें और ध्यान से सुने कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या सही है और उसे खाने का यूज़ करने का तरीका कैसा है, इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल दूंगा इस वीडियो में। वीडियो में बने रहिए। हमारी जो दिनचर्या है, सुबह उठने का वक्त, सुबह उठते ही हमारे गले में हल्की सी खराश की होती है, गला भट्ठा सा रहता है, तो अगर सुबह उठ गया हल्का सा गुनगुना पानी कर ले अगर कर सकते हैं उसको, और उसमें थोड़ी सी नींबू लेमन रस, जी हाँ दोस्तों, थोड़े से गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू, उसको आप कुछ दिन तक फॉलो कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको आपकी सेहत और आपको अगर अच्छा ना लगे या उससे सही नहीं हो रहा तो आप उसको कंटिन्यू ना करें। वैसे तो ये काफ़ी बेनिफिट है और 90-99% लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है रखकर। नींबू में विटामिन सी होती है और विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी यानी हमारे पाचन क्रिया की शक्ति को बहुत मजबूत करती है। विटामिन सी जिस जिस में है वो हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करती है, और आज के कोरोना डेज के दिनों में जो COVID-19 चल रहा है, जिसकी वजह से आज हम अपने घरों में बंद हैं, तो हमें अगर कोरोना से बचना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को होना ही जरूरी है। साथ साथ हमें हमारी इम्यूनिटी पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। इम्यूनिटी के लिए हमें विटामिन सी का जो भी फूड है वो हमें अच्छे मात्रा में और ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया विटामिन सी के बारे में वो लेमन है यानी कि नींबू। नींबू का रस गुनगुने पानी में अगर सुबह सुबह आप लेते हैं तो आपके जो गले में कफ जमा होता है या खराश होती है, रात को सोते वक्त हम 8 से 10 घंटे जो भी सोते हैं, सोने के दौरान हमारे सांस से लेते हैं उस दौरान हमारे यहाँ धूल मिट्टी या जो भी बैठ जाती है यहाँ पे कफ वगैरह जम जाते हैं, उसको क्लीन करने के लिए नींबू का पानी गर्म पानी में डाल करके पीना बहुत जरूरी है। साथ में अगर चाहें तो शहद या फिर गुड़ मिला सकते हैं, वो बहुत ही बढ़िया होता है। उसके बाद आप अपने दिनचर्या की शुरुआत करें, फ्रेश हो जाएं, ब्रश वगैरह सारा कुछ करके, उसके बाद अगर टाइम मिले तो 15 से 20 मिनट ज़्यादा घंटे के अंदर जो भी योगा आपने देखा है या सीखा है आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको बताया गया है या समझाया है। वार्म अप करें, सीधे बैठे सीधे कपाल भाती स्टार्ट करें, जो भी आपको लगे कि चलो मैं कुछ ये कर लेता हूँ, शुरू करना ही सबसे बड़ी बात है और बढ़िया बात है। अगर आपने शुरू कर दिया कहीं से भी तो समझ लीजिए आपके मन में उसे करने की इच्छा जागी, और एक बार इच्छा जागी तो आप फिर रूल को फॉलो करना चालू करेंगे, और रूल को फॉलो करना चालू करेंगे तो साथ साथ आपको आपकी डाइट भी आपकी ठीक होती चली जाएगी। एक बार शुरू करने की कोशिश करें फिर तो आप दुनिया और जंग दोनों जीत लेंगे। तो उसके बाद योगा करने के बाद अगर आप चाहें तो चने, जी हाँ काले चने और मूंग के जैसा सेम दिखने वाला मोठ आता है, मोठ या मट्टी के नाम से मिलता है, सेम मूंग जैसा दिखता है लेकिन वो थोड़े से कलर में काम होता है। ये 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप रात को भिगा लें या दिन पहले भिगाएँ, पहले उसका पानी निकालें, उसको फिर गीले कपड़े में बांध लें, उसमें से अंकुर निकल आएंगे और वो आप थोड़े थोड़े करके खा सकते हैं, उससे थोड़ा गैस होगा, पेट भी साफ होता है। लेकिन कुछ दिन आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको आदत बन जाएगी और आपके लिए अच्छा हो जाएगा, उसे कच्चा ही खाना है। साथ में आप चाहो तो टेस्ट के लिए थोड़ी सी अनियन यानी कि प्याज, थोड़ी सी चिली यानी कि मिर्ची, एक मिर्ची ना मिला तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर टेस्ट के लिए चाहिए तो एक मिर्ची ले सकते हैं, वरना मिर्ची आप अवॉइड करें, मिर्ची अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरा है टमाटो यानी कि टमाटर, और चौथा है खीरा यानी कि कुकुम्बर।
ये चीज़ मिक्स करके आप सुबह मॉर्निंग में हल्का नाश्ते के साथ खाते हैं। उसके बाद आप जो खाते हैं वो आप खाएँ, जैसे रोटी सब्जी वगैरह, ठीक है। दिन में आप हल्का सा कुछ गुड़ चना या हल्का फ्रूट पे ले सकते हैं नाश्ता करने के 2 घंटे बाद। उसके बाद दिन में अपना लंच लीजिए, जो भी आप खाते हैं, जो भी आपके पास रहता है कि हाँ मैं ये खा सकता हूँ, ये मेरे लिए नहीं बेहतर है, जो भी, तो आप उसको खाएँ। उसके बाद फिर शाम को आप थोड़ा सा भुना चना या गुड़ खा सकते हैं हल्की सी भूख लगने पर। और उसके बाद शाम का आप रात का जो डिनर लेते हैं वो डिनर लें, और कोशिश करें कि आप तले भुने से दूर रहें, तला हुआ कुरकुरा चीज़ ज़्यादा ना खाएं। जितना आप फाइबर और कार्ब्स खाएंगे, कार्ब में आपको अन्न हो जाता है, अन्न यानी कि गेहूँ बाजरा ये जितने भी आते हैं वो अन्न हो जाते हैं, और फाइबर में कहने का मतलब है सब्जियाँ या फ्रूट, आप जितना खाएंगे आपके लिए बेहतर है। ये तो सभी लोग कहते भी हैं और मैं भी वही कहूँगा, क्योंकि अच्छे चीज़ों का ही प्रचार किया जाता है, अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो यार ये तो आपकी दिनचर्या हो गई, आप ऐसे अपने रेगुलर खाना खा के अपना योगा कर सकते हैं। अब आप अपने पर्सनल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि मुझे मैं ये खाता हूँ इसमें से मुझे क्या कैसे खाना चाहिए, या फिर क्या मुझे अवॉइड करना चाहिए, या मैं ये खाना खाता हूँ इसमें से मुझे ये मेरे लिए सही है कि नहीं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें कि आप क्या क्या डाइट खाते हैं। तो मैं पर्सनली आपको आपके डाइट का डिटेल आपको मैं मैसेज करूँगा या बताऊँगा, या अगले वीडियो में आपको आपके डाइट के बारे में बताऊँगा। तो अगर ये नॉर्मल डाइट आपको अच्छी लगी तो उसको फॉलो करें। याद रखें फ्रूट और सब्जी खाना बहुत जरूरी है, ठीक है, और जो आप रेगुलर खाते हैं वो खाएं। कोशिश करें बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं, जो भी खाना हो उसके बारे में खाएँ। जंक फूड यानी कि तलक कहने का मतलब है कि फ्राई चीज़, फ्राई यानी कि कुछ भी आप बनाते हैं और वो ज़्यादा तेलों में बना होता है, तो वो चीज़ आप अवॉइड करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। वोला फिटनेस चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना हो, जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाएं जो राइट साइड पे आपके, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे।